मैं हूं शिवानी ठाकुर, आप देख रहे हैं मैनपी न्यूज़। विकासखंड सुल्तानगंज के गांव चिर्रा में सपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से किसानों के मुद्दे को उठाया गया एवं सपा बसपा गठबंधन की मजबूती की बात कही गई। देखिए हमारे संवाददाता शिवचरण राजपूत की रिपोर्ट। सुल्तानगंज में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मंत्री आलोक शाक्य ने कहा कि गठबंधन होने से बीजेपी की हालत खस्ता हो गई है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसान बहुत परेशान है, आवारा जानवरों द्वारा फसलों को नष्ट किया जा रहा है, जिससे किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जब तक हमारा बूथ स्तर मजबूत नहीं होगा, इसलिए प्रत्येक बूथ स्तरीय कार्यकर्ता को दृढ़ संकल्प के साथ पार्टी के प्रति कार्य करके बसपा कार्यकर्ताओं से भी सामंजस्य बनाए रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बसपा सपा गठबंधन 70 सीटों पर विजय हासिल करेगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष कुमान सिंह वर्मा, सुखवीर सिंह यादव, प्रभास यादव, ऋषि यादव सहित आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। माननीय मंत्री जी, हम ये जानना चाहते हैं जो आपका ये बुआ भतीजी का जो समझौता हुआ है, इसमें आप प्रदेश में कितनी लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत के आएंगे? ये जो गठबंधन बहुजन समाज पार्टी और सपा का हुआ है, 80 में से 80 भी सीटें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में खाते में जाएंगी। और ये आम जनमानस चाहता था कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो, उसी के तहत लोकसभा की तैयारी है। और उसी क्रम में आज बूथ अध्यक्ष और सेक्टर वाइज सम्मानित लोग की मीटिंगें पूरे जनपद में चल रही हैं और कार्यकर्ता अब खड़ा हो गया है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। आदरणीय श्री प्रताप जी को इस विधानसभा से हजारों हजार मतों से यहाँ की जनता जिताने का काम करेगी। धन्यवाद।